Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. मैं निर्माता निर्देशक अर्जुन सिंह, मैं ग्वालियर से हूँ और मैं एक दलित कम्युनिटी से हूँ। मैंने एक फिल्म बनाई है द ग्रेट लीडर कांशीराम। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसके सामने छात्र जो बैठते थे वो सौरण बैठते थे और हम एक साइड बैठते थे। हेडपम्प से अगर वो पहले पानी पियेंगे उसके बाद हम पियेंगे। जब मैं ट्वेल्थ में था उस समय जब मैं अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर रहा था उसी बीच में मुझे एक टीचर मिले जो माननीय कांशीराम जी के बारे में लोगों को बताते थे। कांशीराम जी भारत के एक ऐसे शख्स हैं जो पिछड़े दलित लोगों को उनको सड़क से संसद तक भेजा। मैंने कहा सर इस पे हम एक डॉक्यूमेंट्री करेंगे। आज देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 70 लाख शिक्षित कर्मचारी अगर एक झंडे के नीचे आ जाए तो हम एक देशव्यापी गैर राजनीतिक संगठन बना सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप डॉक्यूमेंट्री क्यों करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जो मैसेज आप 200 बच्चों को आप देते हो, 20 10 बच्चों को जो पढ़ाते हो, मैं चाहता हूँ ना उनको एक बार डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों को दे दिया जाए तो वो हज़ारों लोग लाखों लोग एक साथ उसको देख पाएंगे। हम लोगों ने जब डेटा कलेक्ट किया 2 से 3 महीने में हमारे पास इतना डेटा हो गया कि डॉक्यूमेंट्री से वो बाहर निकल गया। हमें लगा यार ये तो बहुत हो गया, कौन कौन सा पार्ट हम इससे हटाएंगे। 84 के बाद का जो उनका सफ़र था वो साइकिल से हेलीकॉप्टर का सफ़र था, क्योंकि हमारे पास इतना बजट था नहीं कि हम लोग हेलीकॉप्टर से है ना उनका फिल्मांकन कर पाएँ, हेलीकॉप्टर से वो इतने क्राउड दिखा पाएँ। तो हमने डिसाइड किया कि 84 तक का पार्ट बनाते हैं। जब उन्होंने पहली पार्टी उन्होंने बनाई थी बहुजन समाज पार्टी, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री नहीं करेंगे सर फिल्म करेंगे। वो कह रहा फिल्म कैसे करोगे। मैंने कहा जो लोग उस पार्टी से उस संगठन से आज राजनीति कर रहे हैं हम उनसे कुछ हेल्प लेंगे, फाइनेंशियल हेल्प लेंगे। देश में खासकर दलित व आदिवासी वर्गों के लोगों का हर स्तर पर अभी तक भी उत्पीड़न होना बंद नहीं हुआ। अगर वो वाकई कांशीराम जी को चाहते होंगे तो एक MLA अगर चुनाव प्रचार में इतना लाखों करोड़ों रुपए ख़त्म करता है तो हमें 5,000 रुपये हेल्प तो कर ही सकता है। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद जब हमने प्रयास किया तो चलते चलते क्वेश्चन मार्क कुछ मिले हमें कि आप है ना बड़े नेताओं से मिल लो वहाँ से वो एकदम से फंड रिलीव कर देंगे। फिर मुझे एक प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ के IAS मौर्य, उनसे मिलने का मौका मिला। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा यार ये बहुत बड़े लेवल का काम है, हम लोग तो इस पर कोई अप्रूवल नहीं दे सकते, आप एक काम कीजिए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजा राम जी उनसे मिल लीजिए। फिर मैं राजा राम जी से मिला। जब मैं उनके पीछे पड़ गया 5 महीने उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि आप आइए, लेकिन 5वें महीने के बाद उन्होंने बोला यार क्यों बनाना चाहते हो, बंद कर दो ये सब। तो मुझे शॉक लगा कि जो व्यक्ति जो मानवर साहब पर पार्टी बनाई है वो ऐसा बोल रहा है उनके बारे में कि बंद कर दो कुछ नहीं होगा कांशीराम की मूवी बनाने से। जो हमें कांशीराम जी के बारे में पढ़ाते थे कर्मचारी हम उनके पास गए। कुछ कर्मचारियों ने हमें ग्वालियर चंबल संभाग से 3-3.5 लाख रुपये का डोनेशन किया, किसी ने 5,000 रुपये, किसी ने 10,000 रुपये, किसी ने 2,000 रुपये, किसी ने 500 रुपये, ऐसे करके डोनेशन किया। 3-3.5 लाख रुपये से ज़्यादा हम कलेक्ट नहीं कर पाए। अब और बुरा फंस गए क्योंकि अब नहीं करते हैं तो वो लोग कहेंगे कि पैसा खा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने शूट स्टार्ट किया तो 2 शेड्यूल कम्प्लीट करने के बाद हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, जो बजट था वो ख़त्म हो गया। फिर ब्रेक कर लिया हमने, 6 महीने शूट नहीं किया। फिर हमारा जो हीरो था वो बिजी हो गया, काफ़ी समस्याएं हुई। फिर अगले शेड्यूल में हमने फिर अरेंज किया पैसा, तो जब तक आदि कंप्लीट कर चुके थे तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे, मेकिंग्स थी, तो फिर हम उसको दिखा के लोगों के पास गए। कई लोग हर बार बोलते थे कि अरे उनके नेताओं से मिल लो आपको तो बहुत फंड मिल जाएगा, लेकिन हम उनसे बोल नहीं पाते थे कि उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं, क्योंकि नेगेटिव मैसेज आएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने पैसा लगाया। तो मध्य प्रदेश में कुछ सिनेमा में हमने रिलीज की फिल्म, तो वहाँ एक तो जब लोगों का काम का समय होता है ग्रामीण लेवल के जो लोग, उस समय हमने रिलीज की तो जो काम या खेती वेती में जो लोग लगे रहते हैं वो फिल्म देखने नहीं आ पाए। जितना पैसा हमने रिलीज में लगाया था वही रिकवर नहीं हुआ, बजट तो बाद की बात है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब कोई ऑप्शन बचता नहीं, अब एक ही ऑप्शन है सोशल मीडिया। फिर मुझे नेशनल दस्तक का पता चला, फिर मैंने उनसे बात की तो ही उन्होंने कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मेरे चैनल पर अगर आप रिलीज करते हो जितना भी पैसा आएगा मैं आप ही को दूंगा। फिर हमने डिसाइड किया 15 दिसंबर को हमने इसको होटल लीला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोग जो लोग यूट्यूबर जो हैं उनको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर इसको रिलीज किया। कांशीराम साहब संघर्ष करो, हमारे साथ। अभी 3 दिन में इसको 3.5 लाख लोग देख चुके हैं यूट्यूब पर। तो अभी लग रहा है जो थकान हुई थी हम लोगों को 3-4 साल की,
मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी अगर अभी ऐसा लग रहा है कि अगर पैसा भी रिकवर नहीं कर पाए तो लोग जानने लगे हैं, लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, यूके से मेरे पास फ़ोन आए, सऊदी अरब से फ़ोन आए, ऑस्ट्रिया से फ़ोन आए, तो जो लोग कांशीराम जी को जानते हैं, एक शख्स तो फ़ोन लगा के चंडीगढ़ के थे, यूके में रहते हैं, वो रो रहे हैं फिल्म देखने के बाद, वो कह रहे हैं हमने कांशीराम जी के साथ चंडीगढ़ में काम किया था उस समय से, जब फिर वो ख़त्म हो गए, हम यहाँ काम के सिलसिले में शिफ्ट हो गए, तो आपने ना उनकी यादें ताज़ा कर दी, चूँकि हम लोगों ने जो फाइनेंसर थे उनका हम लोगों ने पैसा रिकवर नहीं करके दे पाया, तो उन्होंने इंतज़ार भी किया, पूछा भी कि कब कर सकते हो, तो उनको लगा यार कि ये अब पैसा नहीं कर पाएंगे वापस, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। 8 महीने से मैं केस लड़ रहा हूँ मध्य प्रदेश, मतलब 8 महीने से मैं दिल्ली में हूँ और हर महीने तारीख करने जाता हूँ ग्वालियर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कैसे ये मुट्ठी भर समाज, हम पूरे बहुजन समाज को अपनी मुट्ठी में लिए हुए, हमारा इस देश में 85% है। कांशीराम जी जो मूवी है उसको दिखाने का मोटिव यही था कि हमारे लोग, जब एक व्यक्ति एक छोटे से जगह पंजाब रोपड़ से निकल के इस लेवल पर काम कर सकता है, जो एक लाइन थी मनुवाद वाली लाइन वो बोलते थे, उसके सामने एक डॉक्टर अम्बेडकर वाली लाइन उन्होंने खींच दी और उसके बराबरी पे वो कंपटीशन करने लगे, जिस वजह से आज लाखों लोग राजनीति में हैं, करोड़ों लोग, वंचित शोषित लोग राजनीति में। तो मेरा मोटिव यही था कि उनको दिखाने के बाद लोगों को प्रेरणा मिले, वो निगेटिविटी छोड़ दें कि हमारे साथ भेदभाव होता है, ये होता है, वो फाइट करें और उस लेवल पे काम करें, ये हमारा उद्देश्य था।